हेलो फ्रेंड्स, RHEL 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये शॉर्ट कमांड सीरीज का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है सॉर्ट, उसके बाद हाइफन आर ऑप्शन यूज करना है रिवर्स सॉर्टिंग के लिए, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल के कंटेंट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं गेट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है। अब इस फाइल का जो आउटपुट हमें शो हो रहा है, इस आउटपुट को हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए सॉर्ट कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, सॉर्ट फिर हाइफन आर ऑप्शन रिवर्स सॉर्टिंग के लिए, और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है। जो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इस प्रकार आप किसी फाइल के कंटेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।